प्रिय मित्रों, CMPC चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। आप रीट की प्रारंभिक पड़ाव से एक बार आप उबर चुके होंगे, आपने रीट का दे दिया है एग्ज़ाम और मैं सोचता हूँ आपने रेस्ट भी कर लिया है। तो हम इस पड़ाव के अगले पड़ाव के अंदर घुसें उसके पहले हमने बीच में एक जो पड़ाव हमारा बीच में गैप दे करके ने उसको रोक दिया था, मेरा मतलब सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स या फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के पद के लिए जो हमारा जो कंटेंट था उस कंटेंट को हमने बीच में ब्रेक किया था। तो अब उस कंटेंट को एक बार फिर से स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है और उसके अंदर यूँ तो मैंने 70% कोर्स आपको लगभग इस CMPC यूट्यूब चैनल पर बता दिया है, कर दिया है पूरा, आपने देखा भी है, समझा भी है और आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले। अच्छा, जिसने सिलेबस को जो नया सिलेबस आया है सेकंड ग्रेड का उसको अगर ठीक से देखा नहीं हो तो आप, मैंने इस पर पूरा एनालिसिस करके ना आपको उसके अंदर बता रखा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या टॉपिक है, कौन से नए जुड़े हैं और कौन से रिमूव किए हैं, वो मैंने उस पर बता रखे हैं, तो आप उससे देख लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वापस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स के कंटेंट को। अब इसके अंदर यूँ तो मैंने जो इंटीग्रेशन के बाद वाला जो उसका एप्लीकेशन यानी कि अवकलन और समाकलन के अनुप्रयोग वाला जो पार्ट था जिसके अंदर क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन यानी कि क्षेत्रखलन, चापकलन, कर्व ट्रेसिंग यानी वक्र अनुरेखण और परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन और क्षेत्रफल, इन टॉपिक्स के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको करा दिया है। ठीक है, वक्र का अनुरेखण कैसे करते हैं मैंने बता दिया है यानी कर्व ट्रेसिंग, इसके अलावा मैंने चापकलन यानी रेक्टिफिकेशन वाला ही बता दिया है, मैंने उस पर डाल रखा है, आप देख लें। ठीक है, लेकिन क्योंकि गैप पड़ गई है, ठीक है, तो इस वजह से अभी मैं हमारा बाकी वाला पोर्शन जो है वो परिक्रमण घनाकृतियों का आयतन वाला ही है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक बार मैं फिर से कुछ खास तरह का रिवीजन जरूरी है, जो क्योंकि थोड़ा गैप पड़ गई था, आप रीट के चक्कर में उस चीज़ को भूल गए होंगे, देख नहीं पाए। तो मैंने क्या किया है कि चापकलन, क्षेत्रकलन, परिक्रमण घनाकृतियों के आयतन और क्षेत्रफल और वक्र अनुरेखण, इन टॉपिक से जुड़े जो मेन कर्व हैं, मेन जो वक्र हैं, वक्र के समीकरण हैं, मैं उन सभी समीकरणों को जो हमारे इसके अंदर अक्सर पूछे जाते हैं मैं उनको एक बार ब्रीफली यहाँ उनका डायग्राम कैसा होता है और उनके बारे में जो लिमिटेशंस है वो सारे मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। तो मैंने कुछ कर्व तो यहाँ लिख दिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट और लूँगा, तो आप एक बार देख लें। मैंने सबसे पहले लिया है वाई स्क्वायर, यानी आपका जो पहला कर्व है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस कर्व को तो आप जानते हैं, तो फिर नया क्या बता रहा हूँ मैं। देखिए, नया का मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व होता है, ध्यान देना, ये परवलय है, पैराबोला, और आपको इसके बारे में पता होगा, इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम, LSL', और इसके कोऑर्डिनेट a 0 होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होती है। ठीक है, और इस हिसाब से इसके l के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो a 2a और a -2a हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो हम जानते हैं, नया क्या है। देखिए, मैं हर एक कर्व की बात कर रहा हूँ, यानी ये जो कर्व है इस कर्व में हमें तीन चीजें पूछेगा, वो एरिया, आर्क लेंथ और वॉल्यूम, आयतन, है ना, क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और आयतन। अब ये तीन चीजें कैसे हर कर्व के अंदर हम ये देखेंगे। पहली बात तो वो कहेगा कि आपको लेटस रेक्टम के बीच का जो एरिया है ये वाला फाइंड करना, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें एक्स की जो लिमिट है वो 0 से a तक है, ये उसमें इंटीग्रेशन में काम आएगी, तो ये हमारे a है। दूसरी बात, आर्क लेंथ, हो सकता है वो ओरिजिन से, यानी जिसको अपन शीर्ष कहते हैं वर्टेक्स,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के चाप की लंबाई पूछे, जिसको अपन OL कहते हैं, तो आर्क लेंथ में भी इसकी x की जो लिमिट है वो 0 से a तक काम आएगी। फॉर्मूला मैंने बता दिया है। फिर वो तीसरी बात पूछता है वॉल्यूम, यानी जो लेटस रेक्टम है, जो आपका नाभिलंब, इस नाभिलंब को यहाँ से कटा हुआ पार्ट है पैराबोला का, ये इसको अगर y अक्ष के पैरेलल इस तरीके से y अक्ष के अबाउट इस तरीके से रिवॉल्व कराया जाए तो इसकी आकृति जो बन जाएगी वो लगभग ऐसी बनेगी, ये एक चरखी यानी कि रील बनेगी। तो हमें इसका आयतन निकालना होगा, यानी एक एक कर्व को लेकर के आपको ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो उस केस में हमारा इसमें जो लिमिट बनेगी, अगर हम एक्स के लिमिट की बात करें तो माइनस ए से प्लस ए तक होगी, अगर हम वाई की लिमिट लें तो ये माइनस टू ए से प्लस टू ए होगी। ये बात आपको एक पैराबोला के बारे में पता होनी चाहिए, सेम ये भी ऐसा ही है। दूसरा है सर्कल, तो सर्कल की बात करें हम, सर्कल के अंदर थोड़ी जानकारी आपको हो कि ये वो सर्कल है जिसका सेंटर तो है 0, 0 और रेडियस है उसकी ए, त्रिज्या उसकी ए है, यानी मूल बिंदु इसका 0, 0 है, ये इसका केंद्र है, तो ये आपकी ए हो जाएगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसका एरिया या चाप की लंबाई आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो भी एक घनाकृति बनेगी, लेकिन उसकी इसमें हमारे को ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। फिर हम बात करें इलिप्स, तो इलिप्स के बारे में आपको पता होगा, जो खास बात है इलिप्स ये इस तरह का है, ठीक है। अब आपको पता हो कि इसके अंदर एस और एस डेज दो नाभियाँ होती है और उनके निर्देशांक एस के तो होते हैं AE0 और एस डेज का होता है -AE0, लेकिन इसकी ज़रूरत हमारी ज़्यादा नहीं पड़ेगी इसके अंदर इस चैप्टर में। हमें खाली ये ध्यान रखना है कि इसकी बाउंड्री ये x = -a और ये x = +a, यानी x की जो लिमिटेशन है वो -a से +a तक और y की -b से +b तक। ये हमें इसकी जो लिमिट ध्यान रखनी पड़ेगी कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो उसके अंदर हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी x की या y की। ये हुआ इलिप्स। अब बात करें हम चौथा वाला, तो देखिए चौथे वाले में जो है ये कर्व है, मैंने ये सारे कर्व आपको जो कर्व ट्रेसिंग वाला जो वीडियो है, जो लेक्चर है, उसके अंदर मैंने सब करवा रखे हैं। मैं केवल ये गैप पड़ गई इसलिए उसको रिवाइज कर रहा हूँ वापस। तो इसके अंदर आप देखें सबसे खास बात, या वाई स्क्वायर का मतलब सीधी सीधी बात आप तो डायरेक्ट देखें, सबसे खास बात x = 2a, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। तो और इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये एक लूप बन रहा है, ठीक है, ये आपके x = 2a इसकी टेंजेंट हो जाएगी और इधर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट x है, ठीक है। तो x एक्सिस जो है ये इसका वाई स्क्वायर का गुणांक x जो है वो 0, यानी कि x = 0 करें तो ये हमारे इसकी अनंत स्पर्शी आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें देख लें आप एक, ये जो ये अगर राइट एक रहोगे पता चल जाएगा यहाँ कि आप अगर x 0 करें यहाँ पर, मान लो अगर वाई स्क्वायर निकालें तो 4a² 2a - x / x, अगर हम इसके अंदर x 0 करें तो y कितना आता, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारे यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुई है, ध्यान देना, क्योंकि इसके अंदर y एक्स जो है वो आपके ये कर्व इस प्रकार से चलेगा, ये एसिम्प्टोट है आपका y एक्सेस जो है यहाँ पर एसिम्प्टोट, ध्यान रखना अनंत स्पर्शी। तो आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये आपके चाप की लंबाई जितनी इधर है उतनी इधर, तो यहाँ x की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के 2a तक है, ये अपने को ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, ताकि आप उसके अंदर y की वैल्यू पुट करके और आप आर्क
आर्क लेंथ और वॉल्यूम तीनों ही निकाल सकें। अगर इसका वॉल्यूम बनेगा, ध्यान रखना, जब इसको इस अक्ष के सापेक्ष इसको इस प्रकार से अगर रिवॉल्व कराया जाएगा तो सेम ये ऐसे बन जाएगा और ये इस तरीके से ये ऐसे बनेगा, ध्यान देना। तो इस आकृति का हमें निकालना होगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम यानी कि आयतन, उसके मैंने सारे सूत्र बता रखे हैं सारे, आप उसमें कर ले। खाली कर्व जब आता है तो कर्व को ट्रेस करना पता हो और उसके बारे में एक्स की लिमिट क्या है वो पता होनी चाहिए। फिर बात करें पांचवा, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर भी ध्यान से देखें आप, वाई स्क्वायर का गुणांक जीरो करने पर अनंत स्पर्शी आती है, तो आपके ये एक्स इक्वल टू ए क्या है, एसिम्प्टोट है अनंत स्पर्शी, यानी कि एक्स इक्वल टू ए आप यहाँ मान लें, ये आपके एक्स इक्वल टू ए है, यानी एक्स की लिमिट जीरो से ए तक हो गई। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स, अगर आप x की जगह 0 पुट करें तो वाई 0 आ रहा है, इसका मतलब कर्व ये तो है एसिम्प्टोट और यहाँ से कर्व पास हो रहा है, तो ये कर्व इस प्रकार से ये इसकी एसिम्प्टोट होगी, ध्यान रखना, यानी कि ये वाला इधर सेम इसी का उल्टा हो गया, तो यहाँ पर भी आपकी जो लिमिट है वो x की 0 से a हो जाएगी, ठीक है। अगर वो आर्क लेंथ का है तो भी आर्क लेंथ की लिमिट भी 0 से ए हो जाएगी, ठीक है। और के मान लो वॉल्यूम की बात करें तो ये सेम इस तरीके से इधर बनेगा और फिर ये आपके क्या बनेगा, जैसे ये बन रहा है ये इस तरीके से, ये तो ये एक तरह से ये ऐसी शेप बन जाएगी, ये जो पैराबोला में बना था वैसे ये ऐसे बन जाएगा। तो हमें खाली लिमिट का पता करना और डायग्राम पता करना, ताकि वो जो कहेगा कि इसको इस एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएं, वाई एक्स के अबाउट रिवॉल्व कराएं, या किसी टेंजेंट या किसी एसिम्प्टोट के अबाउट रिवॉल्व कराएं, तो वो जो इससे जो ठोस घनाकृति बनेगी उसका आयतन क्या होगा, तो वो वहाँ जरूरत कहाँ पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास पाई वाई स्क्वायर डी एक्स या पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, दो फॉर्मूले फिक्स है, वॉल्यूम के लिए पाई वाई स्क्वायर डी एक्स या फिर पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। देखिए इसके अंदर डी एक्स है तो हमारे एक्स की लिमिट जरूर पड़ेगी ये आयतन के लिए, और वाई के रेस्पेक्ट है तो वाई की लिमिट जरूर पड़ेगी, और इसलिए हम इसके अंदर यहाँ खास तौर से डायग्राम और उसकी लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ तक ले लिया, अब अगला जो आ रहा है वो एस्ट्रॉइड है। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3, ये कर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस कर्व से ये कर्व हमें तीन तरह से याद रखना है, एरिया के लिए, आर्क लेंथ के लिए और वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस कर्व के बारे में पता हो, पहली बात तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है वो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा होता है, ये भले इस रूप में हो भले इस रूप में हो, ठीक है। और इसका जो डायग्राम बनता है, डायग्राम बनता है वो है, क्योंकि दोनों एक्स और वाई दोनों ही ए ही है, तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, मतलब एक्स की लिमिट माइनस ए से प्लस ए और वाई की लिमिट भी माइनस ए से प्लस ए, ठीक है। अगर वो कहे कि पूरी आर्क लेंथ निकाले तो अपन जीरो से पाई बाई टू वाली निकाल लें और फिर उसको चार गुना कर दें तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी, चाप की लंबाई। अगर एरिया पूछे तो हम जीरो से पाई बाई टू करके और अपन केवल यहाँ से यहाँ तक का निकाल करके और फिर चार गुना कर देंगे तो पूरी का एरिया आ जाएगा। फिर बात आती वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए वो कहेगा कि आपको मतलब इसके अबाउट रोटेट करना है
या वाई एक्स के अबाउट करना है या एक्स एक्सिस के, तो यहाँ से करेगा तो ये इस तरीके से होगा और यहाँ से करेगा तो ये इस तरीके से, यानी दोनों ही केस में ये एक सॉलिड जो क्यूबिकल जो है वो शेप बनेगी ठोस, ठीक है। तो हमें लिमिट का ध्यान रखना है, फिर हम आराम से इन तीनों में से कुछ भी निकाल लेंगे। एक बात और बता दूँ, ये एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर आपको डी वाई बाई डी एक्स की सख्त जरूरत पड़ेगी, या भले इससे निकालें भले इससे निकालें, कुछ चीज़ें हमें याद रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आएगा माइनस का टेन थीटा, या फिर यू कहें कि माइनस का वाई पोन एक्स होल पावर 1/3, अगर वाई एक्स पोन एक्स में चाहे तो ये होगी ऐसे होगी, और थीटा में है तो ये इसका स्लोप है, ढाल है किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का एक अक्ष के साथ में कोण, उसी को अपन स्लोप कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये एस्ट्रॉइड कहते हैं इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अवांतर ग्रह, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने अवांतर ग्रह, है ना, ये एस्ट्रॉइड वास्तव में ये अवांतर ग्रह जो होते हैं उसकी शेप है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम बात करें, अच्छा इसी के अंदर एक चीज़ और आ रही है, देखिए, क्योंकि जो एस्ट्रॉइड है इसी को थोड़ा चेंज कर दिया है, कैसे, ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना ये चेंज हो गई है, मतलब अब की बार इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, यानी कि डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, यानी इसमें सेम लिमिट माइनस ए टू प्लस ए, और इसके अंदर भी इसके अंदर माइनस बी से प्लस बी, जबकि इसके अंदर माइनस ए से प्लस ए थी वाई की, ये फर्क है। इसको कहा जाता है हाइपोसाइक्लोइड अतिश्चक्रज, ये इसका नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर हम बात करें, ये जो आ रहा है एट्थ वाला, इसको कहा जाता है फोलियम, ठीक है, और इसके अंदर क्या है आपको ध्यान रखना होगा, ये इसकी आकृति है और ये इसकी टेंज एसिम्प्टोट, ध्यान रखना x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये इसकी एसिम्प्टोट है, अनंत स्पर्श, ध्यान रखना। तो ये वो इस एरिया के लिए पूछ सकता है, तो हमें यहाँ पर इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना, वो भी हम x और y की जगह वो रख करके निकाल सकते हैं, बाकी इसकी ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है। ये जो कर्व है इसके बाद में मैंने कुछ कर्व्स और लिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे वाले जो कर्व है वो है नाइन्थ वाला, x इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस हाफ ए लोग टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, y इक्वल टू ए साइन थीटा। देखिए ये कर्व बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको कहते हैं ट्रैक्ट्रिक्स, और इसकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार से चलती है, ये ठीक है, ये हमारे x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, सेम एस्ट्रॉइड से काफ़ी मिलता जुलता है, और इसके अंदर ये कर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस कर्व के अंदर भी हमें वो तीनों चीज़ें याद रखनी है, आर्क लेंथ, एरिया और वॉल्यूम परिक्रमण घनाकृति का। हमें ये देखना है कि इसके अंदर अगर हम थीटा में लें तो जीरो से पाई बाई टू कर लें और चार गुना कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से, ठीक है, और लिमिट सब में लगभग सेम ही रहेगी, जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। अब अगर वो पूरा पूछता है, वो कितना पूछता है इस पर डिपेंड करेगा, हमें आर्क लेंथ पूछ रहा है या पूरी वॉल्यूम पूछ रहा है या एरिया पूछ रहा है, तो एरिया के लिए भी लिमिट वो कि वो तीनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग होंगे जो मैंने बता रखे उस लेक्चर के अंदर। तो ये ट्रैक्ट्रिक्स है। अच्छा इसके अंदर एक बात और ध्यान रखें, जैसे मैंने एस्ट्रॉइड बताया था वैसे ही इसके अंदर ध्यान रखें, इसके अंदर भी ये टेन थीटा होता है इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। आप इसको करके देख लेना, मैंने इसको कर रखा है पहले, तो ये माइनस टेन थीटा आता है, आप और करके देख लें, कुछ चीज़ें जो ऐसी है वो हमें याद रख लेनी चाहिए,
कुछ जो खास कार्रवाई उनके लिए। फिर बात करें हम अगला वाला, 10th वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ों के लिए, वॉल्यूम मतलब परिक्रमण घनाकृति की आयतन के लिए और चाप की लंबाई के लिए, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी माइनस वन पॉइंट थ्री टी क्यूब, इसमें टी का विलोपन करके नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स होल स्क्वायर किया जाता है। तो इसके अंदर भी एक लूप बनता है ये एक्स इक्वल टू थ्री वाला, और ये बार एक्स है तो टेंजेंट होगी इसकी, तो ये आपके एक्स इक्वल टू थ्री और ये आपके एक लूप बन रहा है, ठीक है। तो इस लूप का वो एरिया पूछ सकता है, वो चाप की लंबाई पूछ सकता है, ठीक है, और वॉल्यूम इसको अगर इधर लेगा तो सेम ऐसी बन जाएगी, तो ये वॉल्यूम भी इसका पूछ सकता है परिक्रमण घनाकृति का, ठीक है। तो लिमिट जीरो से थ्री हो जाएगी इसकी, ध्यान रखना, ये इसके अंदर तीनों चीज़ों के लिए याद रखना है। ये लूप जनरली इस क्वेश्चन को इसी रूप में पूछा जाता है और इसका परिमाप पूछा जाता है खास तौर से, एरिया भी हो सकता है। फिर आता है 11th वाला, देखिए 11th में दो कर्व एक जैसे लग रहे हैं, आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा, आर इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, इनको हम कहते हैं कार्डियोड। आपको पता है, आपने बीएससी में पढ़े हैं, देखिए ये दो तरह के कार्डियोड हैं, एक कार्डियोड तो है ये वाला और दूसरा कार्डियोड जो है वो इस तरीके का, ठीक है। ये वाला जो है आपके प्लस वाला है, ध्यान रखना, ये r इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा और ये r इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी सीधे देखें आप, अगर वो चाप की लंबाई का है तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ से पाई तक लेना है, जीरो से पाई, और पूरा पूछे तो डबल कर लेना, दोनों में सेम काम है, प्लस वाले में ये प्लस की तरफ है, माइनस वाले में माइनस की तरफ है, और एरिया निकालना है तो भी वहीं खाली फॉर्मूला चेंज हो रहा है, बाकी लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम में भी स्थिति वही रहेगी, ठीक है। मैं इसके और क्वेश्चन कराऊंगा वॉल्यूम के भी, चापकलन और क्षेत्रकलन के मैंने करा दिए हैं क्वाड्रेचर के, तो ये दोनों कार्डियोड भी आपको ध्यान रखना है। ये कार्डियोड दोनों किसके लिए, चाप की लंबाई जिसको अपन परिमाप कहते हैं, पूरा संपूर्ण परिमाप कर कहें तो, और आयतन के लिए भी और क्षेत्रफल के लिए, इन तीनों के लिए, तो ये कार्डियोड हुआ। फिर आता है 12th वाला, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू जेरा, ये कहलाता है बर्नुली का द्विपाशी। द्विपाशी यानी कि डबल लूप बन रहा है इसके अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डबल लूप जो है ये शायद ऐसा है कुछ, ठीक है। तो इसमें भी दोनों लूप का एरिया पूछ सकता है वो, इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी भारी पड़ती है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करें, ठीक है। फिर चलते हैं अपन 13 वाला, आर इक्वल टू ए साइन थ्री थीटा, आर इक्वल टू ये अपने तीन पत्ती वाला जो फूल है, ध्यान रखना ये इसके अंदर और कुछ नहीं, इसके अंदर तो तीन पत्ती वाले फूल में आपके कोई इस तरीके से बनता है, इसके अंदर ही है, ये ऐसी तीन पत्तियां बनती है इसके अंदर, टू पाई बाई थ्री, ये पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री पर, तो हमें ये इसके अंदर ध्यान रखना है। एक जनरल जो इंट्रोडक्शन है किसी भी कर्व के बारे में वो हमें पता होना जरूरी है, आर इक्वल टू ए साइन थ्री थीटा यानी कि तीन पत्ती वाले फूल, तो ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना होगा। ये जो मेन मेन मैंने कर्व बता दिए, इसके अलावा और भी आते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा, आर इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा जब ए बड़ा हो बी से और जब ए छोटा हो बी से, इन दो कंडीशन में। तो यहाँ पर इनको कहते हैं लिमासन, लिमासन जैसे आकृति बनती है इसलिए इसको लिमासन कहा गया है। तो इन इन आकृतियों को, इन कर्व्स को, ये जो मैंने कर्व लिए, इन कर्व्स को लेकर के हमें वो तीन चीज़ें प्रिपेयर करनी है, आर्क लेंथ, एरिया और परिक्रमण घनाकृति का आयतन। ये अगर हमें कर्व के बारे में पहले पता हो कि कौन कौन से कर्व है, तो क्योंकि हर कर्व में जो फॉर्मूले काम आ रहे हैं
उसमें लगभग डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना पड़ता है, किसी में डी एक्स निकालना पड़ता है। तो ये कॉमन चीज़ें आपको पहले ही प्रिपेयर रहना है कि हमारे इससे जुड़े चाप की लंबाई, क्षेत्रकलन, परिक्रमण घनाकृति का आयतन जो आपने सिलेबस में दे रखा है, इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो इन कर्व से बाहर नहीं जाएगा, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। तो ये मैंने मोटा मोटा जो खास खास कर्व काम आते हैं, इन कर्व का मैंने एक बार ब्रीफ आपके सामने रखने का कोशिश की है ताकि आपको वापस रीमेमोराइज हो जाए, क्योंकि थोड़ी गैप पड़ गई है तो आपको फिर से याद आ जाएगा, ताकि आप चाप कलन, क्षेत्रकलन और परिक्रमण घनाकृतियों के जब आयतन ज्ञात करो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको फिर से याद आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों के लिए डायग्राम पता होना ज़रूरी है। और डायग्राम पता होने के बाद में उसकी एक्स और वाई की लिमिट्स क्या है, उसका दायरा क्या है, एक्स और वाई का रेंज और अपने डोमेन जो भी है वो कितना है, वो मैं पता होना ज़रूरी है। और इसी चीज़ को मैंने एक बार यहाँ इसमें ब्रीफली आपके सामने रखने का प्रयास किया है, आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको देखें, समझें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। मेरा आपके लिए लगातार प्रयास बना रहेगा इसी मेरे CMPC YouTube चैनल पर। थैंक्स।